नारे जुटीचा विजय असो, नारे जुटीचा विजय असो, एसटी महामंडळ विलीनीकरण झालेच पाहिजे, एसटी महामंडळ विलीनीकरण झालेच पाहिजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजरी इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जलगांव ज़िले के रावेर शहर के बस स्थान की है, बस स्टैंड की है, बस स्टेशन की है। वहाँ से हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने बताया कि इस वक्त जिस तरीके से एसटी कर्मचारियों ने संप पुकारा है और उनकी हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को, आम जनता को, यहाँ तक कि वो बुज़ुर्ग जो गवर्नमेंट की बसों में आधे टिकट में सफ़र करते थे, जिनको बड़ी आसानियाँ होती थी, आज उन बुज़ुर्गों को, महिलाओं को भी बड़ी तकलीफ़ें हो रही है। खैर, मैं आपको बता दूँ कि रावेर डिपो में तकरीबन 350 एसटी कर्मचारी पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। निगम का राज्य सरकार में विलय नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा, इस तरीके से उन्होंने बात कही है। वहीं पर आंध्र प्रदेश राज्य में, तेलंगाना, ऐसे ही गुजरात एसटी कर्मचारियों ने सरकार से पूछा है कि इस राज्य में सरकार ने तब्दील किया तो फिर महाराष्ट्र में आखिर क्यों तब्दीली नहीं लाई जा रही है। खैर, एसटी कर्मचारियों की मांगों को लेकर तकरीबन 8 दिन से पूरे महाराष्ट्र में संप है। हालांकि महाविकास अघाड़ी का कहना है कि एसटी कर्मचारियों को भड़काने का काम या उकसाने का काम भाजपा और अपोजिशन पार्टियाँ कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त एसटी कर्मचारियों की जो मांगें हैं वो एक तक जायज भी है। खबरें आ रही कि गुज़िश्ता कल भाजपा के कुछ लोगों ने एसटी कर्मचारियों को सपोर्ट भी किया और ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार निजीकरण करने का काम कर रही है और एसटी बसों को गोया के प्राइवेट हाथों में देकर बेचने का काम कर रही है। इस मौके पर बाकायदा अपोजिशन को जवाब देते हुए महाविकास अघाड़ी और कुछ लोगों ने कहा कि साहेब, अगर महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारी और एसटी सर्विस को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार अगर कर रही है तो आप अपने आकाओं से कहो, वो तो पूरे मुल्क को बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन बेच दिया, पटरियां बेच दी, ट्रेनें बेच दी, बस कुछ चीज़ें बाकी है, हो सकता है 2024 तक वो भी बिकी जाएगी। तो इस तरह महाविकास अघाड़ी सरकार के लोग भाजपा को जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसटी कर्मचारियों की तकलीफें वाजिबी है और इनकी तकलीफों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इस तरह से हम पत्रकार भी कह रहे हैं और आम जनता भी कह रही है। लेकिन आइए सुनते हैं क्या कहा इस मौके पर बाकायदा एसटी कर्मचारियों ने। माझा नाव अतुल पांडुरंगदीपचे, चालक रावेर आकार। मी एसटी महामंडळामध्ये 10 वर्षापासून चालकाची सेवा देत आहे। आज आमच्या संपाचा 6वा दिवस आहे, तरी प्रशासनाकडून कुठल्याच प्रकारची आतापर्यंत आम्हाला काही मार्ग किंवा काही तुमच्या समस्या आम्ही सुधारत आहे किंवा करत आहे, तुमच्या मागण्या पूर्ण करतो, आजपर्यंत एसटी प्रशासनाकडून आणि सरकारकडून कुठलंच आम्हाला निवेदन देण्यात आलेलं नाही। दुसरी गोष्ट अशी की सरकारने आणि एसटी प्रशासनाने काही आमचे बांधव संपामध्ये बाहेरगावचे सहभागी होते त्यांना रेस्टरूममधून काढून टाकलेले आहे, अक्षरशः त्यांना रस्त्यावर उतरलेले आहे। आज एवढी दुटप्पी भावना प्रशासनाने आणि सरकारने घेतलेली आहे। एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप ह्या कुठल्याही परिस्थितीत मोडून काढायचा अशी सरकारची आणि एसटी प्रशासनाची भूमिका आहे। आज काही वृत्तपत्रांमध्ये रावेर आगाराची बातमी आली आहे की 15 कर्मचारी निलंबित झालेले आहे, पण आम्ही इथे आज 6 दिवस झाले ह्या संपात बसलेले आहे, पण आतापर्यंत आमच्याकडे कुठलाच प्रशासकीय अधिकारी किंवा कोणी आले नाही, आम्हाला माहिती नाही कोणाला सस्पेंड केला आहे किंवा कोणाला निलंबित केला, याबाबत आम्हाला कुठलीही प्रशासनाकडून माहिती मिळालेली नाही आहे। तरी माझी एकच विनंती आहे प्रशासनाला की अशी कठोर भूमिका आपण घेऊ नये, आम्ही लेकरं तुमचेच आहे, आज नाही तर उद्या तुमचेच आहे। आम्ही आमच्या बापाकडे, कुठलीही जर एका कुटुंबामध्ये काही त्रास होत असला तर आपण आपल्या बापाकडे मागणी करतो की बापा पप्पा पप्पा मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे। तसे आम्ही पूर्ण एसटी कर्मचारी हे तुमचे मुलं आहे, मुलांचे जे अट्टहास आहे तो बापना बापच पूर्ण करू शकतो, तर आम्ही आमच्या बापा बाप म्हणजे आमची माय बाप सरकार
आम्ही त्यांनाच विनंती करतो आहे की एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करा, हेच आम्ही लेकर आज माझ्या मायबाप सरकारला म्हणत आहे। तरी सरकारने पोरांचा अट्टा सा लवकरात लवकर पूर्ण करावा आणि आपल्या पोरांना न्याय द्यावा, हीच विनंती करतो मी। कामगार जुटीचा विजय असो, कामगार जुटीचा विजय असो, एसटी महामंडळ विलीनीकरण झालेच पाहिजे, एसटी महामंडळ विलीनीकरण झाले।